आज हम लोग क्लास 8 से करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अभी तक हम लोग जानते हैं कि ऑलमोस्ट 116 या 117 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। उस एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। कुछ एलिमेंट्स जो है वो आपके मेटल है, कुछ आपके नॉन मेटल है और कुछ मेटलॉइड्स है, ठीक है। मेटल्स कि अपने कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, नॉन मेटल्स के अपने कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, और मेटलॉइड्स जो होते हैं कुछ प्रॉपर्टीज मेटल और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल के मिक्सअप होकर के जो एलिमेंट जो दोनों के प्रॉपर्टी को पोजेस करता है, ऐसा एलिमेंट जिसके पास मेटल का भी प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल का भी कुछ प्रॉपर्टी है, वैसे एलिमेंट को हम लोग मेटलॉइड की कैटेगरी में डाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एलिमेंट्स किसे कहते हैं, एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। एलिमेंट क्या है, एक प्योर सब्सटेंस होता है जो सिर्फ एक टाइप ऑफ पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। ए प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, यानी सिर्फ एक टाइप ऑफ पार्टिकल से जो सब्सटेंस बनता है उसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं, इस कॉल्ड एन एलिमेंट। और इस एलिमेंट को अभी ऑलमोस्ट 116 या 117 एलिमेंट को डिस्कवर कर लिया गया है। इस एलिमेंट को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, इस एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें मेटल का भी प्रॉपर्टी पाया जाता है और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी पाया जाता है, उसे हम लोग मेटलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। तो मेटल किसे कहते हैं, तो कुछ हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल का और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग नॉन मेटल का देखते हैं, चलिए ठीक है। तो चलिए पहले मेटल का हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का बात करें तो मेटल क्या होता है, मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्शन भी है इसका मर्करी, एक्सेप्शन मर्करी। मर्करी जो एक ऐसा एलिमेंट है, मर्करी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे आपके लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, बाकी जितने भी मेटल है वो आपके रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। जैसे आप आयरन को देख लीजिए, आयरन एक मेटल है, अभी के टेम्परेचर पे आयरन आपको किस स्टेट में मिलेगा, सॉलिड के स्टेट में मिलेगा। सिल्वर, गोल्ड, सोडियम देख लीजिए, बहुत जितने भी मेटल है वो आपको रूम टेम्परेचर पे अभी के टेम्परेचर पे कैसे फॉर्म में, कौन से स्टेट में मिलेगा, सॉलिड स्टेट में मिलेगा, सॉलिड स्टेट में मिलेगा। मर्करी एक ऐसा मेटल है जो आपके रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। तो जितने भी मेटल होते हैं वो जनरली सॉलिड रूम टेम्परेचर में, वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। दूसरा, मेटल जो होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल कहने का मतलब कि मेटल को हम लोग पीट पीट के पतला शीट की तरह बना सकते हैं, ठीक है। उसको पीट पीट करके पतला शीट की तरह बना सकते हैं, ऐसे प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहते हैं और मेटल हमारा मैलिएबल होता है, ठीक है। फिर होता है डक्टाइल। डक्टाइल किसे कहते हैं, मेटल डक्टाइल होता है, कहने का मतलब कि मेटल को आप खींच के लंबा तार की तरह खींच सकते हैं लंबा, ये प्रॉपर्टी मेटल में पाया जाता है, इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं, मेटल डक्टाइल होता है नेचर से, ठीक है। उसके बाद लस्ट्रस, चमकीला, मेटल चमकता है। आप सिल्वर को देखिए, गोल्ड को देखिए, आयरन को देखिए, ये सब क्या होता है, शाइनी नेचर होता है, तो मेटल जो होता है वो शाइन करता है और लस्ट्रस नेचर का होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सोनोरस।
सोनोरस कहने का मतलब कि अगर आप मेटल को पीटेंगे तो उससे एक साउंड आता है, ठीक है। तो ऐसे प्रॉपर्टी मेटल में पाया जाता है कि अगर हम लोग मेटल को पीटेंगे तो वो साउंड क्रिएट करता है, साउंड आता है, तो वैसे चीज को वो प्रॉपर्टी हमारा सोनोरस कहलाता है। मेटल जितने भी मेटल होते हैं वो सारे के सारे आपके सोनोरस होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया इसका फिजिकल प्रॉपर्टी कि रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड होता है, मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, लस्ट्रस होता है और सोनोरस होता है। एक और देख लीजिए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कभी हम लोग देखे होंगे कि हम लोगों के घर में बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं, ठीक है, जो एल्यूमिनियम के बने होते हैं, ठीक है। उसका जो हैंडल होता है, अगर उस पर कोई कवर या कोई बैकलाइट का कोई कुछ भी नहीं लगा होता है, अगर हम उसको हीट करते हैं, उस पर पानी बॉइल करते हैं, चाय बनाते हैं, कुछ भी कुक करते हैं, तो उसका जो हैंडल होता है वो गर्म हो जाता है। क्या हम लोग हैंडल पे हीट दिए थे? नहीं दिए थे ना, हम लोग उसके बेस पे हीट दिया था और वो हीट फ्लो करके उसके हैंडल के पास पहुंच गया। तो ये प्रॉपर्टी ये बताता है कि मेटल में हीट फ्लो करता है, ठीक है। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब कि हीट मेटल के अंदर फ्लो करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो ये भी एक मेटल का प्रॉपर्टी होता है। और ये जो भी प्रॉपर्टी है ना, ये सारे नॉन मेटल में नहीं मौजूद होते हैं, यानी इसमें से अगर एक भी प्रॉपर्टी नॉन मेटल में आ गया तो वो नॉन मेटल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो नॉन मेटल का हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल देखेंगे। तो नॉन मेटल जो होता है वो क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में होता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्शन में ब्रोमीन, ब्रोमीन शायद लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। बाकी जितने भी मेटल होते हैं वो आपके क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। जैसे आप ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो ऑक्सीजन अभी के स्टेट में, अभी रूम टेम्परेचर पे कौन से स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। जितने भी हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है, नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में है, तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे आपके गैसियस स्टेट में होते हैं। एक एक्सेप्शन है ब्रोमीन जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये नॉन मेलिएबल होते हैं, इसको हम लोग पीट करके पतला शीट की तरह नहीं हम लोग बना सकते, ठीक है। ना ही ये डक्टाइल होता है, ना ही इसको हम लोग खींच के तार की तरह लंबा कर सकते हैं। नन नस चमकता भी नहीं है, नन सोनोरस, अगर हम नन मेटल को पीटेंगे तो साउंड भी नहीं आएगा, नन सोनोरस, ठीक है। उसके बाद बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी नॉन मेटल में ना ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है ना ही हीट फ्लो करता है।